विरासती न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ नासिर अली। बात अगर करें बॉर्डर लाइंस की, तो सरहदी इलाकों पर रहने वाले लोगों के मसाइल और तकलीफ़ें बाकी जगहों पर रहने वाले लोगों से बिल्कुल ही जुदा होते हैं। ऐसे में आज यहाँ बॉर्डर एरिया किसान कमेटी प्रेस क्लब जम्मू में वारिद हुई है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का प्रस्ताव रख रही है। क्या कुछ कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए देखते हैं। आज का जो ये पीसी है, ये जो बॉर्डर एरिया के लोग हैं जो पाकिस्तान की फायरिंग से आपको पता है कि रोज भागते हैं, उन लोगों की जमीनें, बहुत सी जमीनें हैं वो डिफेंस ने वो ली है, एक्वायर की है। उनका जो रेंट बनता है, एक मैं रेंट बताऊं आपको, इतना आप भी लोग भी हैरान होंगे कि 2015 से 7 साल हो गए हैं, वो 83 लाख के करीब वो अमाउंट 112 किसानों का तहसीलदार खोर के खाते में पड़ा हुआ है, जिसमें उसने पार्ट पेमेंट हो गई थी और बाकी पेमेंट उन्होंने नहीं की। इसका रीजन तहसीलदार ही बता सकता है, वो हम नहीं बता सकते, क्योंकि 7 साल हो गए हैं। और उसके बाद बाकी जो जमीन आई हुई है, जिनकी सैंक्शन हुई है, गवर्नमेंट भारत सरकार ने सैंक्शन की है, लेकिन जहां पर भ्रष्टाचार की इतनी जहां पर भ्रष्टाचार है इन लोगों में, वो किसी बहाने या किसी मूल्य बहाने से वो माजवा रोक देते हैं, रेंट जो रोक देते हैं। अभी एक हमारे दो तीन कुछ सैंक्शने थी जिन्होंने बहाने लगाकर उसकी पेमेंट रोक दी। आज तक वो 4 साल हो गए हैं, 2020 से रुकी हुई है, मेरे ख्याल 4th साल लग रहा है, आज तक वो पेमेंट वो नहीं हुई है। जमीन जो है वो उधर आर्मी ने अपने बोर्ड लगाए हुए हैं कि ये हमारी जमीन है, लेकिन लोगों को जो किसान है, जो गरीब किसान है, जिसकी 4 कनाल जिसके पास जमीन होगी, उसने अपने बच्चों का गुजारा भी जो उसी जमीन पर है, आप बताइए, मैं आपको छोड़ता हूं, आप इंसाफ कीजिए, वो अपने परिवार को कैसे पालता है। और उसके बाद 99 में जो हुआ था करगिल, उसके बाद वो 22 साल से ज्यादा हो गए हैं, जो दोबारा जमीन आई थी वो 3200 कनाल के करीब है, आज तक उसका कोई पता ठिकाना नहीं है कि वो कहां पर, हम जाते हैं अथॉरिटी के पास, इसका हो रहा है, इसका ये हो रहा है, इसका हो रहा है, लेकिन आज तक 22 साल हो गए हैं, उसका कोई नामो निशान नहीं है। बहानेबाजी है, सिर्फ गरीब किसान को वो ऐसे समझते हैं कि जैसे वो आया उसको बहाने लगाए और वो चला गया। तो ये इतनी हद है जुल्म की, प्रकाशना है ये, क्योंकि इतना जुल्म, 7 साल से आपके पास पैसा पड़ा हुआ लोगों का, वो नहीं दे रहे, फिर जो सैंक्शन हुआ पैसा वो आप जो सैंक्शन हुई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सैंक्शन की है, वो भी नहीं हो रहा उसका नहीं, उसके बाद जो लैंड एक्वायरी है वो भी नहीं दे रहे। तो ये है कि इसी मुद्दे को लेकर हमने आपको थोड़ी तकलीफ दी है, तो हम चाहते हैं कि आप ही अपना अगर कोई रसूख है तो सरकार से पूछिए कि ये क्या चीज है, ये जुल्म क्यों है, ये बॉर्डर पर रहने वाले गरीब जो किसान है उनके साथ ये बेइंसाफी क्यों है, कहां जाएगा वो। तो मैं इतना ही कहते हुए, अब हमने माननीय एलजी साहब को हमने एक दी है मेमोरेंडम सौंपा है कि ये जो लोग हैं, जो जिन्होंने पैसा लोगों ने गवाया हुआ है लोगों का या इसमें जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनकी इंक्वायरी की जाए, और जो जुम्मेवार लोग हैं उनसे जो 7 साल की पेमेंट है, जो बाकी पेमेंट है, उनका जो सूद बनता है वो सूद समेत हमारे जो जिम्मेदार भाई हैं वो उनको दिया जाए।